धम्म यात्रा गांव मुखाब में बिलों की ढाणी आई है और यहां BTS के जवान आदिवासी परंपरा से संविधान जागृति धम्म यात्रा का स्वागत करने के लिए नौजवान पहुंचे हैं। तो आप लाइव के माध्यम से आज के स्वागत को आप देखेंगे कि जिला बाड़मेर में सभी साथी चलते हुए सर इंद्र जी निर्माण साहब के आगे आगे ढोल लेकर के चलते हुए साथी जवाहर साहब बाबा जी पहुंचे हैं। एक अच्छा प्यार कहा जाता है, मेलों की परंपरा रही है। मान सम्मान से आए हुए मेहमान को बड़े चाव से ये अपने कबीले में लेकर के जाते हैं। साथी देख सकते हैं नगाड़े के पास साथी पहुंच रहे हैं अपने ठाणियों से अपने कबीले से। सभी साथी से निवेदन की ऐतिहासिक पलों को आगे से आगे शेयर करें, कृपा सभी अपने अपने ग्रुपों में भेजें, ज्यादा से ज्यादा आगे ग्रुपों में भेजें, सभी इस नजारे को देख पाए, हमारी इस आदिवासी परंपरा को देख पाए, राजस्थान के मूल निवासियों को देख पाए। ऐसी नहीं कहा जाता राजस्थान मेहमानों को आए पर इतना आभूत करती है। नारायण जी निवाण साहब के चेहरे पर खुशी के पल है, इतनी लंबी थकान जो कि 2,250 किलोमीटर चल करके आए हैं, आज थकान को इन्होंने दूर किया है। एक ही कंठ पर 2 लोग बजाते हैं। कबीले की ठाणियां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ रहते हैं ये लोग, खुशी के फल है। BTS जो इनका संगठन है वहां के पहुंचे हुए साथी हैं। इस लाइव को जो है शेयर करें, इनकी परंपरा रही है कि एक नगाड़ा बजाने के बाद साथी सभी खुशी मनाते हैं। ये हमारे युवा साथी देखो आप, बच्चे हैं,
भाषा। थैंक यू बेटा। इधर बेटी है, बाबा साहब ने इस कबीले के लिए स्पेशली अपनी पारू समिति में जो बात रखी थी, ब्रिटिश सरकार के सामने स्पेशली बात रखी थी, राउंड होम का कमरा बना हुआ है, ये राउंड है बिल्कुल। प्रोग्राम करेंगे सर एनर्जी में बाड़ साहब का। साइकिल यात्रा, जब जब भी समाज को जगाने की बात आई है तो साइकिल का एक अहम योगदान रहा है। ये साइकिल आज ही नहीं, एक लंबे अरसे से समाज में जागृति के लिए उठी है। अरे क्या भाई ले आओ भाई, दूर दूर तक इनकी ढाणियां बनी हुई है, दूर दूर तक रहते हैं ये। काफी लंबा आप देख सकते हैं, इसको खेत हैं, हालांकि काफी दूरी पर रहते हैं ये गांव से। और आप ये देखते हैं कि यहाँ पर मतेरों का ढेर लगा हुआ है। देखो आप, मतीरों का ढेर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। इनकी एक ऐसा भी रही है कि बीज निकाल करके इसको बेचा जाता है। तो अंदर से दिखाता हूँ आपको ये पूरा रूम, अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। इसके राउंड रूम बना हुआ है जो, वाह देख सकते हैं आप। बाजा जी क्रांतिकारी वीर, बाजा जी नायक, धरती आवा बिरसा मुंडा, राणा कुंदा जी भील, वीर बहादुर कुंवर बसावा, वीर टांटिया जी भील, चित्र आप देख सकते हैं। बड़ा जो ये महापुरुषों का चित्र है कबीले के, दीवान साहब भी के पिताजी इस यात्रा में लगातार साइकिल चला रहे हैं लंबे सफर से। धन्य है हम पिता पुत्र दोनों ही समाज जागृति के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस उम्र में भी पिताजी साइकिल चलाते हैं।
जय जोहार का नारा लगता है यहाँ पर। जय जोहार यानी कि प्रकृति पूजक भाई राजेश जी मोहतर प्रिया स्वागत किया गया है उनका। एक अच्छे सम्मान के साथ बीटीएस के काफी जागरूक साथी हैं बालाजी जी। एक लंबी दूरी के बाद लंबी थकान के बाद सभी ने थकान को दूर किया है। तो अभी मीटिंग की तमाम प्रक्रियाएं शुरू होगी तो आप सभी ने जो लाइव देखा आगे से आगे सभी साथियों शेयर करें इसको कि सभी तक पहुंचे। हमारा एक जो हमसे थोड़ा काफी दूरी पर और कहते हैं इस समाज के मुख्य धारा से दूर रहा है कबीला भील समाज जहाँ पर आज ये एंट्री की है यात्रा ने तो आज सभी ज्यादा से सहयोग करें कि सभी लोग इसको देख पाए कि जो हमारा भील कबीला विकृत जागृति के साथ संविधान जागृति यात्रा का वेट कर रहा था यहाँ पहुंचने का इंतजार कर रहा था रंग लगा करके सभी आगे जाके शेयर करें और मैं लाइव को अब एक बार रोक रहा हूँ तो आप सभी ने जो देखा नजारा उसको आगे से आगे शेयर करें सभी साथी इसको समझ पाए। सभी दूर दराज से पहुंचे हुए इंडिया से बाहर राजस्थान से बाहर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश साथी जो भी जुड़े हुए हैं साथ सभी को जय भीम जय जोहार और पूरे समाज भील कबीले की तरफ से आप सभी को जोहार। हमारे बीच साथी जुड़े हुए हैं भाई राजू जी थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ता है
समापन तो लाइव का समापन हो रहा है। आप सभी साथियों को जय भीम जय जोहार। इसी तरह जुड़े रहे यात्रा में, इसी तरह सभी हौसला बढ़ाते रहे, पूरी टीम का आगे से आगे शेयर करें। आप सभी का हौसला ही इस यात्रा को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सभी को जय भीम जय जोहार।